ओके सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द व्लॉग। एंड फिर से सुबह सुबह मेरा वॉइस कट गया। फिलहाल सुबह के बज रहे थे 6:45 एंड मैं उठा था एक काम से, मुझे कहीं जाना था। इट वाज अ सनी डे विद अ प्लेजेंट वेदर और 29 डिग्री था वेदर। फिलहाल मैं सब कुछ ऐसे वीडियो देख देख कर डब करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा। फिलहाल जो धूप थी वो काफ़ी अच्छी थी, नरम नरम थी। फिलहाल जो भी हो, कुछ दिनों के लिए हमारी पल्सर आई हुई है एंड अभी हम निकलेंगे इस पर। ओके सो मैं अभी निकल चुका हूँ, क्योंकि एक्शन कैम नहीं है तो मैं बाइक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। आपको बता दूँ इसमें तारदन की शक्तियाँ नहीं है, सो बाद में मिलते हैं। तो बड़ी प्यास लगी थी एंड साइड से ये गुजर रहा था पुदीना पानी, जो भी हो मैंने नींबू पानी दिया इनसे। एंड कभी कभी मज़ा आता है यार ऐसे बाहर का नींबू पानी वगैरह पी पी के। सुबह सुबह बेचारी की बोनी भी हो गई तो ओके। सो जो हमारी टार्जन थी वो थोड़ी सी ऐसे ख़राब सी हालत में थी, तो सोचा कि थोड़ा सर्विसिंग करा लेते, तो इसे सर्विसिंग के लिए ले आया हूँ। एंड बहुत कुछ टूटा फूटा हुआ है तो ऐसे थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो स्पीडोमीटर है वो, ये जो पीछे की बैक लाइट है वो पूरी टूटी पड़ी हुई है। ये सब ये जो गार्ड्स हैं वो क्रैश गार्ड्स, उनमें पूरी तरह से रंग लग चुका है एंड गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बेकार है। सॉकर जो है वो टूटा हुआ था, तो देखते हैं शाम को आने को कहा गया है। ये गियर है, ये क्या है, गियर है। अच्छा सो हमारी नई टार्जन तैयार है। फिलहाल मैकेनिक जो मैकेनिक है इन्होंने ये एक्सेलरेटर को ठीक कर दिया था, जिसके वजह से मेरी टार्जन है जो ऑटो पायलट मोड है टार्जन में, मैकेनिक्स ने उसे हटा दिया था। फिर मैंने ज़बरदस्ती फिर से बोलकर वो ऑटो पायलट मोड को लगाया है। देते हैं हमारी टार्जन के रिपेयर होने के बाद पहली टेस्ट राइड। बहुत दिक्कत है भैया, अभी निकला हुआ था मैं बाहर और जा रहा हूँ घर। फिलहाल मेरे को पल्सर का भी रिपेयरिंग कराना है। इतना आवाज़ है ना भाई, इतना क्या बोलूँ, लगता है मास्क लेके घूमना पड़ेगा। जो भी हो, पल्सर का भी अभी फ़िलहाल रिपेयरिंग कराना है मुझे, तो जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। एंड लेट्स सी, आई डोंट थिंक कि आज पल्सर रिपेयर करा पाऊँगा, हो सके तो कल रिपेयर कराऊँगा, लेकिन पल्सर को भी जल्द से जल्द रिपेयर कराना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फिलहाल जब मेरे टार्जन की शक्तियाँ चली गई थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्शन कैमरा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए मैंने आज एक डिसीजन लिया है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं मतलब जब भी मुझे ऐसे कुछ काम पड़ा, जैसे पापा अभी कुछ दिनों के लिए बाइक देके गए तो उस पर रिकॉर्ड नहीं कर पाता तो दिक्कत हो जाता है, तो ये चीज़ ये लक्ष्मी चिटफंड तो ये था। मैंने सोचा था बाइक के लिए जो भी थोड़ा बहुत जमा पाऊँ, जैसे बच्चे लोग करते हैं, जैसे बच्चे लोग जमाते हैं, मैं भी बच्चा हूँ यार। मैंने भी ऐसा जमाया है एक, तो आज इसे तोड़ने वाले हैं एक्शन कैम के लिए। तो Yeah.
आज तो सारा अमीर हो गए। तो ये जो गुल्लक था इसे मैंने मम्मी से हड़प लिया था, बहुत सालों से ये जमता हुआ, सिर्फ 3,500 नहीं 4,000 हुआ है इसमें। और क्या गुल्लक बनेगा रे, इससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी। जो भी हो तो अभी फिलहाल ये हुआ है और बाकी का पैसा देखते हैं कैसे जुगाड़ कर सकते। तो ओके सो गाइस, देखो मैं आपको क्लियर बात बताऊं तो मेन बात है, एक्शन कैमरा इज द मेन थिंग जो कि मेरा ब्लॉग्स आने में दिक्कत कर रहा है। क्या होता है, एक तो मैं बिना हेलमेट के बाहर होता हूँ एंड क्या है कि मतलब उसके वजह से ही सारा मुश्किल होता है। एंड जो गाड़ी है वो एक हाथ से चलाता हूँ मैं खोल के, तो इट्स अ बिट रिस्की। और एक्शन कैमरा रहेगा बहुत सही रहेगा, तो अभी नहीं पता क्या होगा। ओके सो गाइस, अभी हो चुकी है रात एंड अभी जाना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज लाइक, आई मीन प्लीज कमेंट शेयर एंड जो भी करना है वो सब कर दो। एंड नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो प्लीज कीप द सपोर्ट। तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।